स्वागत है सभी के मल्टीजनर टेक्निकल एमएसएच में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रेंटिसशिप जॉब अपडेट्स के बारे में। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ईस्टर्न रेलवे रिक्वायरमेंट्स नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप फॉर ट्रेनिंग स्लॉट्स इन ईस्टर्न रेलवे यूनिट्स। ईस्टर्न रेलवे की तरफ से ITI कैंडिडेट्स के लिए एक अप्रेंटिसशिप का रिक्रूटमेंट निकल के आया है। और आपको पता है कि अप्रेंटिसशिप जो है एक साल का एक स्टाइफेंड बेस ट्रेनिंग होता है, वन वाइज ये वैकेंसी निकला है। और एक साल के बाद ये परमानेंट इसका कोई जॉब नहीं होता है, लेकिन आपको एक साल तक जब जॉब करेंगे तो इसका रिलेटेड आपको एक सर्टिफिकेट और पर मंथ आपको एक साल तक 12 महीने तक ये एक स्टाइफेंड बेस आपको सैलरी मिलता है। पार्ट है क्योंकि अभी इसका नोटिफिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। इसका नोटिफिकेशन जो है 24 सितंबर से स्टार्ट होगा और 23 अगस्त तक इसका चलेगा। ठीक है, ऑलरेडी ये पब्लिश हो चुका है नोटिस, 9 सितंबर को पब्लिश हो चुका है। इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा 24 सितंबर से 11 बजे से और 23 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें देखिए हावड़ा डिवीज़न दिया है, सबसे पहला हावड़ा डिवीज़न में, तो इसका ट्रेड वाइज का वैकेंसी निकला है। ये जैसे फिटर ट्रेड में आपका जनरल में कितना सीट, AWS में, STSC, OBC, टोटल इस प्रकार फिटर, वेल्डर, मैकेनिकल, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, तो ITI के जितने भी ट्रेड्स हैं, रेफ्रिजरेटर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मशीन टूल्स, MMT, इस प्रकार अलग अलग ये सीट वाइज निकले हैं। नेक्स्ट आते हैं लीलवा वर्कशॉप का भी निकला है। इसमें ट्रेड वाइज आप ट्रेड देख लीजिएगा जहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें अगर ऑनलाइन में आपको एप्लीकेशन अगर देता है किसी एक जोन में अप्लाई करने का तो वहाँ भी हो सकता है, तो पहले से इसको कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा आप कौन सा डिवीज़न पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कभी कभी होता है कि एक जोन में आप अप्लाई कर दिए हैं फिर दूसरे जोन में अगर जाना चाहते हैं तो ये भी नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पर देख लीजिएगा, मैक्सिमम एक से ज़्यादा फॉर्म, जैसे सियालदह में डिवीज़न में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, पहले देख लीजिएगा आप सीट वाइज। कचड़ा पड़ा वर्कशॉप है, कचड़ा पड़ा डिवीज़न है, मालदा डिवीज़न है, आसनसोल डिवीज़न, देखिए आसनसोल डिवीज़न में भी दे रहा है, फिटर है, टर्नर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रिक है, फिटर का जो सीट है पूरा टोटल जनरल में जा रहा है आपका 151, जनरल में 61, टोटल सीट है 151, टर्नर में उसी प्रकार टोटल सीट गया 14, वेल्डर में 96 है, इलेक्ट्रीशियन में 110 है। जमालपुर वर्कशॉप का भी है ये। अप्रेंटिसशिप में जो है एक एज लिमिट होता है, तो इसका मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट है वो 15 ईयर्स से स्टार्ट है और लास्ट गया है 24 ईयर्स। ठीक है, और एज़ पर कैटेगरी के हिसाब से अगर STSC OBC अगर है तो जो रिलैक्सेशन मिलता है, जो छूट मिलता है वो तो मिलेगा ही आपको, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अगर कोई जनरल है तो 24 साल तक लास्ट भर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर मेंशन भी किया अपर एज लिमिट क्या है, इस पार्ट में ध्यान दीजिएगा, 5 ईयर्स इन केस ऑफ STSC कैंडिडेट, 3 ईयर्स फॉर OBC NCL कैंडिडेट्स एंड 10 ईयर्स फॉर पर्सन फॉर PWD। तो ये ध्यान दीजिएगा पार्ट को। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक कैंडिडेट मस्ट हैव 10 पास इन इक्विवेलेंट 10+2 ITI पास होना चाहिए, या अगर कोई 12 भी है लेकिन उसके साथ साथ ITI मस्ट होना चाहिए। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दे दिया विथ मिनिमम 50% मार्क्स, अगर मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट 10 में 50% मार्क्स होना चाहिए, और जाहिर सी बात है आप 10 में 50% मार रहा तो ITI में 10-50% होना चाहिए। एंड आल्सो शुड पोजेस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ उसको NCBT या SCBT का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड का, जहाँ पर जो वैकेंसी के हिसाब से है। ठीक है, तो अपना सीट वाइज पहले ट्रेड वाइज देख लीजिए कौन सा सीट में आपका है सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आपका ऐसा ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते जो इसमें हाई ही नहीं एलिजिबल तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेडिकल फिटनेस, जो एज़ पर रेलवे बोर्ड के हिसाब से मेडिकल फिटनेस हो जाएगा आपका। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन सबसे मोस्ट पार्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको होगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिएगा। यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट्स में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो ITI 10 और ITI के दोनों का मार्कशीट को मिला करके बनेगा, सिंपल। ठीक है, द मेरिट लिस्ट विल ड्रॉ एलिजिबल कैंडिडेट्स टेकिंग एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन फ्रॉम द कैंडिडेट बोथ मैट्रिकुलेशन एंड ITI। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पर एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल ए कैंडिडेट सिक्योर्ड 80.58%, अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट माध्यमिक में 10 में 80.58% अगर लाया है
और ITML आया 91.68%, तो दोनों का मार्क्स को ऐड करके दो से डिवाइड कर दिया जाएगा, जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वही उसका कट ऑफ जाएगा, वही उसका मार्क्स जाएगा, ठीक है। तो आपके मार्क्स के बेसिस पे आपका मेरिट निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है, आपका जस्ट मार्क्स के हिसाब से मेरिट निकलेगा, उस हिसाब से आपका जो आपका रैंक आएगा उस हिसाब से आपको सिलेक्शन यहाँ पे होगा। डॉक्यूमेंट वो 100 रुपया है, और STSC PWD अगर कैंडिडेट है तो उसके लिए कोई फी, और वोमेन कैंडिडेट है तो उसके लिए कोई फीस नहीं लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पेमेंट जो आपको ऑनलाइन ही होगा, एप्लीकेशन अप्लाई कीजिएगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको आगे के प्रोसेस में ये काम आएगा। स्टार्ट नहीं हुआ, हाउ टू अप्लाई के लिए आपको ये जो वेबसाइट है www.rrcrgovernment.in, इस वेबसाइट में आप जाइएगा। जब इसका डेट स्टार्ट हो जाएगा 24 सितंबर से, तभी लिंक जो ओपन हो जाएगा अभी फ़िलहाल। और भरने से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स जो भी इसके लिए जो लगेगा आपका, जैसे स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर होना चाहिए आपका, ठीक है, 10 मार्कशीट होना चाहिए, ITS सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। और कम्युनिटी सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी है, ठीक है। तो और PWD सर्टिफिकेट है तो ये आपको ही पहले से रेडी करके रखिए, ताकि फॉर्म फिलअप में जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा तो आपको ये काम लगेगा। जितने भी रिलेवेंट कॉलम है सबको आपको ध्यानपूर्वक सही तरीके से भरिएगा, कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा, जो डेट ऑफ बर्थ दिखा रहेगा उस हिसाब से वो कैलकुलेशन होगा। और ये ऑनली ये फॉर्म जो है फुल्ली आपका ऑनलाइन है, कोई ऑफलाइन प्रोसेस इसमें दिया नहीं है। ए कैंडिडेट एडवाइज टू टेक ए प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर द ऑल डिटेल्स फिल एंड फॉर्म कंफर्म टू द सबमिटेड, ठीक है। आप फॉर्म भरने के बाद उसको एक प्रिंट आउट कॉपी रख लीजिएगा, और ये प्रिंट आउट कॉपी कहूँ आपको जमा नहीं करना है, ठीक है, ये इसको आपको रखना है। फिर आगे का प्रोसेस आपको लॉग इन के वेबसाइट पर विजिट करते हैं, सारा डिटेल्स आपको उसी से मिलता रहेगा, ठीक है। इसको हम ट्रेनिंग का है तो बेटर होगा, क्योंकि आपको ये इसका कोई परमानेंट वैसा कोई जॉब नहीं है, जैसे कंट्रेक्चुअल 1 साल का आपका ट्रेनिंग है ये, जो रेलवे का जो एस्टेब्लिशमेंट उसके अंतर्गत ये होता है।